हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को बताऊंगी मलाई से मक्खन कैसे बनाते हैं और मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। तो बस यही आप लोग को आज मैं वीडियो लाई हूँ ये वाला आप लोग को। तो चलो आप लोग देखो मैं कैसे करती हूँ और वैसे वैसे आप भी करते जाना। तो चलो ठीक है, ये है मेरी यहाँ पर कटोरे पर रखी है मलाई। तो ये मलाई मेरी 5-6 दिन की है। तो इस मलाई को मैं ढक्कन लगा के रखाऊँगी फ्रिज में, ठीक है। अगर आप फ्रीजर में रख रहे हो तो 5 मिनट के लिए रखो, अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो 10 मिनट के लिए रखो, ठीक है। तो अब मैं इसको चल रही हूँ फ्रीजर में रखूँगी। मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी दिखाना है, तो मैं इसको रखूँगी फ्रीजर में। तो ये मैं रख दी इसको फ्रीजर में और फ्रीजर बंद कर दूँगी। उसके बाद मैं चलूँगी कुछ और देखूँगी, ठीक है। तो ये देखो, और कुछ लोग मिक्सी के जार में भी बनाते हैं, तो मैं वहाँ मिक्सी के जार में नहीं बना के दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कढ़ाई में ही डालूंगी मलाई, कढ़ाई में मक्खन निकालूंगी, कढ़ाई में ही घी बनाऊंगी। तो एक ही बर्तन में आपका घी तैयार हो जाएगा और ज़्यादा बर्तन नहीं निकालने पड़ेंगे। और ये मेरा आज का दूध है, आज के दूध की मलाई भी निकालूंगी क्योंकि घी बन रहा है तो सारा बन जाए। तो इसलिए ये मैं मलाई फ्रिज से निकाल के लेके आ गई किचन में। और अब मैं इसमें से निकालूंगी मलाई, और ये रखी मैं कढ़ाई ले आई, ये रख दी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं मलाई निकाल के डालूंगी। तो मैं उसके लिए लूंगी एक चाकू, और चाकू से साइड साइड से छुटा दूंगी मैं, और उसके बाद मलाई कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये देखो मैं साइड साइड से चाकू से छुटा रही हूँ, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसको कढ़ाई पर। तो ये मेरी मलाई देखो कढ़ाई पर गई। हम लोग दूध घर में वो दे जाता है तो इसलिए थोड़ा सा पानी वानी डाल देते होंगे, तभी तो पनिया रहता है, वरना जब लेने जाओ ना तो गाढ़ा सा देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मलाई निकाल दी मैं, और मलाई निकालने के बाद रख दी। जब तक फ्रीजर में मलाई थोड़ा सा ठंडी हो रही है ना, तब तक मैं क्या करूँगी, मैं सोची खाली बैठी हूँ तो लाओ गाजर ही छील के खा लेती हूँ क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं 3-4 गाजर छील ली और उनको खाऊँगी तब तक कि मेरा मलाई बढ़िया हो जाएगा। तो गाजर खाने के बाद आई मैं देखने, और ढक्कन मैं खोल दी थी क्योंकि मैं सोची थोड़ा सा और जल्दी ठंडा हो जाए, तो ढक्कन खोल दी थी। तो ये देखो मेरी मलाई अच्छे से ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद बहुत एकदम जमाना नहीं है, बस हल्का सा ये समझो कि पूरा मलाई ठंडी हो गई है। तब निकाल लो, चाहे फ्रिज में रखो चाहे फ्रीजर में, जहाँ आपको सही लगे, ठीक है। तो अब मैं इसमें से मलाई निकाल के डाल दूँगी कढ़ाई में। ये देखो मैं मलाई डाल रही हूँ कढ़ाई पर, जितनी भी मलाई है सारी मलाई डाल दो कढ़ाई पे। और ये यहाँ पे मैं डाल दी कढ़ाई पे, और ये मेरी 4-5 दिन की मलाई है, 6 दिन की मलाई है। तो ये मैं कढ़ाई में डाल लूँगी। ये देखो मैं यहाँ पे डाल दी कढ़ाई पे, और कटोरा चम्मच साइड में रख दूँगी, कटोरा और चम्मच दोनों चीज़ साइड में रख दूँगी। फिर मैं अपना फोंच ली थी, उसमें से मतलब निकाल ली थी जो लगा था, उसके बाद हम लेंगे ये चलाने के लिए। तो फिर अब हम इससे चलाएंगे इसको अच्छे से मैसर से। तो ये देखो अब मैं इसको अच्छे से इससे चलाऊंगी। आप लोग मथानी भी ले सकते हो, जो छोटी सी आती है ना दाल वाल मथने के लिए, उसको कुछ सब लोग अलग अलग भाषा में कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर मैं उसको छोटी वाली मथानी बोलती हूँ, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो। मैं अभी बीच में दिखा दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो देखते देखते हम लोग भी किसी का वीडियो देखते तो बोर हो जाते हैं, इसलिए लगता है कि देखते देखते इंसान बोर हो जाए। तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही थी बीच में, ये देखो इसी को बोल रही थी मैं, इससे भी आप लोग चला सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये देखो यहाँ पे मैं इसको साइड साइड से निकाल लूँगी और अच्छे से चलाती रहूँगी। आप देखना मैं कोई बर्तन इसमें यूज नहीं करूँगी, कढ़ाई पे ही बनाऊँगी, और कढ़ाई पे ही मैं मक्खन निकालूँगी, कढ़ाई पे ही मैं घी बना दूँगी, एक कढ़ाई पे सारा कुछ कर दूँगी। आपको दूसरे बर्तन को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो जिसमें मलाई रखी थी वो वाला डोंगा तो है ही, तो उसमें निकाल देंगे अभी इसका जो मट्ठा निकलेगा। ये देखो हम इसको अच्छे से चला दिए, है ना, इसको अच्छे से फेंटना है, चाहे इससे फेंटो चाहे उससे फेंटो, जिससे आपको इजी लगे उससे फेंटो, जो आपके पास हो उससे बनाओ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो। तो फिर मैं यहाँ अच्छे से इसको फेंटी, उसके बाद पानी डाली। मैं पानी कब डाली हूँ, आप लोग को ऐसा लगेगा जैसे सब्जी बनाते समय मसाला नहीं आप पकाते हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मतलब तेल जैसे छोड़ने लगते हैं, तो जब ये पानी जैसे छोड़ने लगेगी ना मक्खन मलाई, तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर देना। तो ये देखो मैं इसमें पानी ऐड कर दी, और पानी ऐड करने के बाद क्या होगा, मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए देखो मैं इसमें पानी ऐड करके और इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर उधर से प्रेस कर रही थी,
आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आपको और इजी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है, छोटी सी है, इसी में हम बनाते हैं क्योंकि ये जली है। तो इसका मट्ठा जो निकलता है ये देखो, अब मैं ये मट्ठे को बाहर कर लूँगी और फिर इसमें फिर से पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद अब मैं इसको फिर हाथ से अच्छे से चलाऊँगी, और हाथ से चलाने के बाद ये देखो है ना, इसका मट्ठा मैं फिर से निकालूँगी। तो वो मुझसे गिर गया थोड़ा सा मुझसे गिर गया था, तो मैं इसको काटी नहीं एडिट करते समय, क्योंकि गिर गया तो गिर गया, उसमें काटना क्या। हाँ आप लोग अच्छे से कर लेना, मेरे से गिर गया तो गिर गया, उसमें मैं हटाई नहीं, ठीक है। और ये मट्ठा भी देखो निकल आया, और मक्खन भी निकल आया, दोनों चीज़ हो गया एक साथ में, तो दोनों को यूज में ला सकते हैं हम। और फिर उसके बाद ये मैं मक्खन को चढ़ा दी, कढ़ाही चढ़ा दी मैं गैस पे, और गैस अभी फुल की हूँ, हाई फ्लेम में है। तो ये देखो अब मैं इसको उबाल रही हूँ अच्छे से, जब तक ये उबलेगा ना, घी को जब भी बनाओ ना, ना शुरू में छोड़ो ना लास्ट में छोड़ो, क्योंकि शुरू में भी ज़्यादा उबलता है और लास्ट में भी ज़्यादा उबलता है, तो इसलिए इसको शुरू से लास्ट तक, बीच में आप छोड़ सकते हो, जैसे अभी इस स्टेज पे है ना, तो इस समय आप छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट जब शुरू में चढ़ाओ और जब लास्ट हो तो मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट में जल भी सकता है, उबल भी सकता है, क्योंकि बुलबुले बहुत बनने लगते हैं, तो इसलिए ना शुरू छोड़ो ना लास्ट छोड़ो। और ये देखो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, और अभी देखना घी अलग होगा और इसमें जो मोहर निकलता है वो अलग। ये देखो यहाँ से ये अपना बदलने लगा है ना, ये देखो घी अलग है और इसमें जो मोहर है ना वो अलग दिखेगा। तो इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे, तो मैं इसको धीरे 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 ऐसे ही चला रही थी। आप चलाते रहोगे तो कढ़ाही में नहीं लगेगा, वरना कढ़ाही में लग जाएगा। चलो मैं जूम करके आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो मैं जूम कर दी और आपको अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये देखो मैं इसको अच्छे से ऐसे ही चलाती रहूँगी, तो मोहर अलग निकलेगा और घी अलग निकलेगा, तो दोनों चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आसानी से बहुत आराम से बताई हूँ आपको, आपको बहुत इजी लगी इसलिए मैं एक एक चीज़ बताई हूँ, कुछ भी मिस नहीं की हूँ। तो शायद आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, जितना बता दी आगे भी आपको समझ में आएगा। तो आप लोग देखते रहो वीडियो को, लास्ट तक देखो, आपको अच्छे से मलाई से घी निकालना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी किसी को ये बहुत मुश्किल लगता है, तो मुश्किल नहीं होगा, आज से आप घी बनाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे। अभी तक तो कोई बोलता होगा ना, जिसको नहीं आता, जिसको आता है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बट जिसको नहीं आता ना उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है काम, ठीक है। तो जब आने लगता है ना तो वही काम बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्ट भी आता है उसको करने में, बट जब तक नहीं आता है ना तब तक तो लगता है कि ये ना करना पड़े तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, और अभी तक घी अलग हो रहा था, अब क्या होगा ना, अब इस स्टेज पे आपको ऐसा लगेगा कि घी और नीचे जो मोहर निकलता है वो मिक्स हो रहा है, ऐसे दिखेगा। फिर धीरे धीरे बुलबुले बनेंगे, उसके बाद घी अच्छे से पक जाएगा। तो चलो मैं आप लोग को बताऊंगी, अगर आपके घी में दाने नहीं पड़ते हैं तो जब कढ़ाई को उतारना हो ना तब थोड़ा सा इसमें पानी छिड़क दो, जब गैस बंद कर दो तो पानी छिड़क दो, बढ़िया दाने इसमें पड़ेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैं चला रही हूँ अच्छे से, तो जब ये थोड़ा थोड़ा अभी देखो रेड रेड होने लगेगा तो उतार देना चाहिए। और मैं आपको बताऊँगी, अगर शायद आपसे गलती से ये ज़्यादा पक जाए घी तो क्या करना होगा, आपको नीचे एक थाली रखना होगा, बड़ा बर्तन कुछ भी ले लो, उसमें पानी रख दो, पानी के ऊपर कढ़ाई रखना, अगर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा जल जाए या कुछ भी हो जाए तो उसमें रखना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना तो ये बहुत देर तक, 5 मिनट तक तो ऐसे ही पकता रहता है, 2-3 मिनट तक। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी, देखना अभी काफ़ी देर तक पकता रहेगा गैस बंद करने के बाद भी, तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करने लगे और लेट हो गया आपको उतारने में, ये देखो जब इस स्टेज का हो तो आपको गैस बंद कर देना चाहिए, वरना तो घी जल ही जाएगा। तो ये देखो मैं थाली में पानी रखी, उसके ऊपर रख दी घी, तो ये मेरा घी बनके तैयार हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।